वेलकम टू माई एस बी एजुकेशन फार्मिशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस अपडेट में कुछ ऐसी खबर लेकर के प्रेजेंट है जो दिल दहला देने वाली है। पत्नी सास ससुर से परेशान ज्वेलर्स ने जहर पी करके सुसाइड किया। नोट में लिखा दहेज प्रताड़ना का झूठा केस किया, बार बार पैसे मांगते हैं। झुंझुनू में पत्नी और ससुराल वालों से परेशान ज्वेलर्स ने जहर पी करके जान दे दी। पत्नी सास ससुर और शाले से जो है प्रताड़ित ज्वेलर्स ने सुसाइड कर लिया। ज्वेलर्स ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला करके पी लिया और इसके बाद वह पिता के पास पहुंचा और उनके गले लगकर रोने लगा। युवक से जहर पीने की बात पता चलते ही परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। मामला जो है मलसी सर थाना इलाके का मंगलवार का है। ज्वेलर्स की जेब से सुसाइड नोट्स मिला है जिसमें अपने पत्नी सास ससुर और शाले पर बार बार पैसे मांगने और दहेज प्रताड़ना का झूठा केस करने का आरोप लगाया है। और मलसी सर थाना अधिकारी कैलाश चंद्र ने बताया कि ज्वेलर्स के पिता राम रतन सोनी की रिपोर्ट पर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार मामला दर्ज किया गया। झुंझुनू और सीकर से FSL टीम को बुलाया गया है जिससे विषक पदार्थ को लेकर जानकारी सामने आ सके। तो ये पत्र है, पत्र हम दिखाते हैं, पत्र आपके सामने है। मैं मुकेश सोनी पुत्र राम रतन सोनी निवासी, यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं उन्होंने अपना पत्र लिखा है और जो भी कुछ है सब कुछ आपके सामने है। तो ये पत्र है। पिता पास आकर रोने लगा। थाना अधिकारी ने बताया कि मुकेश सोनी 28 वर्ष के पुत्र राम रतन मलसी सर कस्बे के वार्ड नंबर 18 का रहने वाला था। अपने परिवार के साथ मिलकर ज्वेलरी का काम करता था। मंगलवार अल सुबह करीब 3 बजे उसने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। इसके बाद वह पिता राम रतन के पास पहुंचा और उनके गले लगकर रोने लगा। उसने जहर पीने की बात पिता को बताई और परिजन उसे लेकर के मलसीसर अस्पताल पहुँचे, जहाँ से उसे झुंझुनू के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसे यहाँ से ज़िले में स्थित सुमन हॉस्पिटल रेफर किया और वहाँ इलाज के दौरान शाम करीब 4 बजे युवक की मौत हो गई। घटना के समय माता पिता के अलावा छोटे भाई और चाचा का परिवार मौजूद था जो अलग अलग कमरों में सो रहे थे। सुसाइड नोट मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण ज्वेलर्स के शव के साथ थाने पहुंचे। पुलिस ने परिजन की रिपोर्ट पर संतोष हाकिम और टिंकू सोनी समेत 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उपजिला अस्पताल में मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजन को सौंप दिया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज्वेलर्स के घर पर जांच करती FSL की टीम। सुसाइड नोट्स में लिखा पत्नी सास ससुर और साला पैसे मांगते हैं। सुसाइड नोट्स में युवक ने लिखा कि पत्नी मधु सास अंजू ससुर सुखदेव और शाला राहुल बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं। मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। मेरी पत्नी मधु ने झूठा केस कर दिया है। परेशान होकर सुसाइड कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी पोस्ट ऑफिस और LIC के बॉन्ड मेरे भाई व बहनों में बांट दिया जाए। मेरी प्रॉपर्टी में मेरी पत्नी और बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा।
माँ और पापा ने बहुत सहारा दिया। एक कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, मैं अपने बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। और माँ पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आप सबको छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे छोटे भाइयों मुझे माफ़ कर देना, बड़ा होने का फर्ज नहीं निभा सका। माँ बाप का सहारा बनना, मेरी प्यारी बहन मैं तेरे गृह प्रवेश में शामिल नहीं हो पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। मेरा घर बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा साथ टिंकू सोनी और पूर्व सरपंच संतोष हकीम का है, जिसे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। पत्नी को 4 लाख और साले को 1.5 लाख रुपए देने का जिक्र। ज्वेलर्स ने सुसाइड नोट में पत्नी को 4 लाख और साले को 1.5 लाख रुपए देने का जिक्र किया है। मुकेश की सलसीसर निवासी मधु से करीब 9 साल पहले शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। मुकेश और मधु में अनबन चल रही थी। करीब 5 महीने पहले मधु घर छोड़कर पीहर चली गई थी। मधु ने 9 अप्रैल को ससुराल वालों से के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करा दिया था। पुलिस ने 1 माह में चालान भी पेश कर दिया था। तो बार बार दोस्तों सोशल मीडिया पे इस तरह की जो है अपडेट प्रोवाइड होते रहते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि शादीशुदा हैं तो अपने घर परिवार को तोड़ करके न बल्कि जोड़ करके मधुरता के साथ एक साथ चलें। और हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।